कलरी के कमांड्स, वायतारी बोलते हैं मलयालम में इसको, वायतारी के बिना कलरीपाइट प्रैक्टिस नहीं होता। सबसे पहले ये सुनो, अगर आप किसी के पास जा रहे हो कलरी सीखने के लिए, अगर वो आपको बोलेगा दाएं पैर आगे बढ़ा के मारो, बाएं पैर पीछे लेके घूसा मारो, ऐसे करके अगर आपको कलरीपाइट सिखाएगा तो आप समझ लेना कि दैट्स नॉट राइट वे ऑफ लर्न। ठीक है, कलरीपाइट के ईच एंड एवरी सीक्वेंसेस के वायतारी है, जितने भी आप वडिव कर रहे हो उसके भी वायतारी है। एडद वल्द गेरी अमर क्या हो गया, गजबड़ी वल्द एडद गेरी वांगी अमर, ये सारी चीजें सिस्टमेटिकली, ये एडद वल्द करके जब आगे जा रहे हैं ये सिस्टमेटिकली वायतारी बनाया। तो ये सारी चीजें मलयालम में है, सारी चीजें मलयालम में है। तो ये कोई ऐसा भी चीज नहीं है कि आपको जो है, हितेश को कितना मलयालम आता है, कुछ नहीं आता हितेश को, बिल्कुल मलयालम नहीं आता। नाउ आई एम गोइंग टू गिव हितेश कमांड ऑन मलयालम। अमर शाह एड़े गेरी वलद गेरी वलद वांगे एड़े कोटी वांगे पर, अभी जो मैंने मलयालम में बोला है वही उसने किया, लेकिन उसको समझ में नहीं आया कि मैंने वलद वांगी क्या होता है, कूटी वांगी क्या होता है, ये सब उसको नहीं आता। आता है थोड़ा बहुत आता है ना, लेकिन फिर भी उसको साउंड से उसने समझ गया कि आई हैव टू डू दिस। द सेम वे जैपनीज मार्शल आर्ट विच इज दैट कराटे, दे स्पीक इन देयर ओन लैंग्वेज, जैपनीज लैंग्वेज। किसी ने यहाँ पे कराटे प्रैक्टिस किया है? हाँ, यू यूज जैपनीज लैंग्वेज, क्या यूज करते हैं बताओ जरा मुझे। तो अपनी खुद की लैंग्वेज तो बोलना आना पड़ेगा तुम्हें, है ना। तो भाई मलयालम आपका अपना लैंग्वेज है, बाहर का नहीं है ये, आपका योर ऑन इंडियन लैंग्वेज, यू शुड बी प्राउड ऑफ। वी शुड नॉट इन द रेज ऑफ लाइक हिंदी होना चाहिए, तमिल होना चाहिए, मलयालम होना चाहिए, वी हैव टू रेस्पेक्ट ईच एंड एवरी लैंग्वेज, राइट। तो मलयालम भी सीखो थोड़ा थोड़ा, हम भी सिखाएंगे आपको, हम आपसे हिंदी सीखे हैं, अब आपको थोड़ा मलयालम भी सिखाएंगे। हमारा कल्चर ही यही रहा, भारतीय कल्चर, थोड़ा आप ले लो थोड़ा हम दे दो, आधी रोटी आप खा लो आधी रोटी हम खा लेंगे, है।